नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें, खास समाचार आप तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि आप सबको पूर्व सूचना थी कि आज 10 मार्च को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी जंतर मंतर पटेल चौक जीवन तारा बिल्डिंग नई दिल्ली में 2 बजे हमारी मीटिंग हुई। काफ़ी सारे साथी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आजाद सिंह शेखावत जी, हमारे संरक्षक रिटायर्ड सूबेदार सुधाकांत झा साहब, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की नेता, ठगी पीड़ितों की नेता मैडम मीना नंदेश्वर जी, ब्लू फॉक्स मोशन से पवित्र मोहन जी, जगदीश जी और अन्य कई ठग कंपनीज के पीड़ितों के प्रतिनिधियों ने आज की बैठक में हिस्सा लिया और ये तय हुआ कि आने वाली 1 मई 2021 को भारत क्रांति दिवस के दिन हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए एक जबरदस्त सत्याग्रह आंदोलन राजधानी दिल्ली से शुरू करेंगे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराए बगैर हम मौन नहीं होंगे, चुप नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। चाहे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराकर इसके तहत स्पीडी ट्रायल, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल अथॉरिटीज का गठन करवाकर तमाम ठग कंपनीज के पीड़ितों की डूबी हुई मेहनत की कमाई को उन्हें मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, विद इंटरेस्ट के 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस करवाने का प्रोविजन सरकार से करवाएंगे। इसके लिए चाहे जितना भी हमें राज्य या केंद्र सरकार से लड़ना पड़े लड़ेंगे। दोस्तों हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है, आने वाली 1 मई को आप तमाम साथियों को, चाहे आप बाइक बोट टैक्सी स्कैम से जुड़े हों, हेलो टैक्सी से, टॉप राइट से, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड से, ब्लू फॉक्स मोशन से, फ्यूचर मेकर से, साइंस सिटी से, वाया इंडिया से, स्ट्रीट हॉक से, कैची पिक्सल से, अपना मशरूम इंडिया से, हमारी सवारी से, हमारा वाहन से, गो राइड से, गो बाइक से, गोबे से, JBC और जितनी भी हैं, NMM, एवरग्रीन वगैरह, जितनी भी फ्रॉड कंपनीज हैं देश भर में जिन्होंने हमारे देश के लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा है, ठगा है योजनाबद्ध रूप से, इन तमाम ठग कंपनियों पर शिकंजा कसना, इनके संचालकों को, प्रमोटर्स को, एजेंट्स को जेल भिजवाना और इनकी चल अचल संपत्ति को सीज करवाकर, नीलाम करवाकर आप सबका पैसा जल्दी से जल्दी वापस दिलाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है और इस लक्ष्य से हम किसी भी मूल्य पर पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए आप तमाम साथियों को किसी को भी किसी भी प्रकार का तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी जो क्रिमिनल रिट पिटीशन है बाइक बोट टैक्सी यूनियन को लेकर के, जिसमें हमने CBI जांच की मांग की है कि बाइक बोट टैक्सी स्कीम की जांच CBI के हवाले की जाए ताकि CBI भ्रष्ट मिनिस्टर्स पर, अन्य नेताओं पर और बेईमान ऑफिसर्स पर शिकंजा कस सके, उन्हें गिरफ्तार कर सके, उनकी चल अचल संपत्ति को सीज कर सके और ये जो बाइक बोट टैक्सी के संचालकों की, बद्रीनाथ तिवारी, संजय भाटी वगैरह की जो वेबसाइट थी GIPL की, उसको विदेशों में संपर्क करके जहां भी उसका सर्वर हो, अमेरिका या सिंगापुर, उसको ऑन करवाए और देखे कि वास्तव में बाइक बोट टैक्सी स्कैम कितने हजार करोड़ का स्कैम था, इसके द्वारा कितने लाख लोगों को ठगा गया। वैसे वैसे मोटा मोटी तौर पर हमको पता है कि हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों को बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में ठगा गया है, उनका ब्लड निकाल करके बाजारों में बेचा गया है। इन तमाम मसलों पर
ठोस कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम सीबीआई के हवाले होना चाहिए, चूंकि लोकल पुलिस एजेंसीज बेईमान मिनिस्टर, बेईमान एमपी, बेईमान चीफ मिनिस्टर्स, बेईमान आईएएस ऑफिसर्स को, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनकी चलाचल संपत्ति को सीज नहीं कर सकती। इसीलिए बहुत अत्यावश्यक हो जाता है कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम कम से कम सीबीआई के हवाले हो। दोस्तों, वैसे तो हम सीबीआई की जांच की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में डिफेक्ट क्योर हो चुके हैं हमारी उससे, और उम्मीद है कि 15 मार्च तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो जाएगा और एक या दो या तीन जितनी भी सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से बाइक बोट टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले करेगा, ये तैसा है। लेकिन फिर भी चूंकि सरकार का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इन तमाम मैटर्स पर सुओ मोटो एक्शन ले, जिन स्कैम्स में हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का पैसा लूटा गया हो, उनका ब्लड निकाल करके बेचा गया हो, ऐसे घृणित स्कैम्स की जांच तो स्वयं सरकार को सीबीआई के हवाले कर देनी चाहिए। स्वयं सरकार को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हठधर्मिता दिखाते हुए, निर्लज्जता दिखाते हुए ना तो सीबीआई के हवाले की बाइक बोट टैक्सी स्कीम की जांच और ना अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू किया, और न किसी विक्टिम की मेहनत की कमाई को वापस करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म स्थापित किया। इसलिए विवश होकर के हमें इन तमाम मामलों को लेकर के सरकार के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में दोनों रिट अभी तक पेंडिंग हैं, 15 मार्च के तुरंत बाद ये लिस्ट हो जानी है, इन पर सुनवाई होगी और निश्चित रूप से फैसला आपके पक्ष में आएगा। हाई कोर्ट में 24 मार्च को होना ही है सुनवाई है रिकवरी रिट पिटीशन पर आपके पैसे की वापसी के लिए। और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में आज डेट थी, अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जैसा कि हम सोच रहे थे वैसी ही आई है। तो अब हमारा दिल्ली हाई कोर्ट जाने का मार्ग राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ठगी प्रकरण को लेकर के खुल गया है, और नेक्स्ट वीक जो है हम राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ठगी प्रकरण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक स्पेशल एसआईटी के गठन की मांग को लेकर और इसमें रिकवरी रिट पिटीशन फाइल कर देंगे और जल्दी से जल्दी वो सुनवाई पर आ जाएगी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। और ब्लू फॉक्स मोशन में भी आज लीगल एक्शन शुरू हो गया है, हेलो टैक्सी का आपको सबको पता है, उसमें भी 15 मार्च के बाद हम स्टेटस रिपोर्ट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। टॉप राइड स्कैम के लिए भी हम मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई को और तेज करेंगे, और साइंस सिटी स्कैम के लिए भी हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर ली है, रिप्रेजेंटेशन तैयार हो गया है, वो फाइल कर देंगे नेक्स्ट वीक और तुरंत उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर हम उसमें भी रिकवरी रिट पिटीशन सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे साइंस सिटी स्कैम को लेकर के। तो इसलिए मैं आप तमाम साथियों को ये निश्चिंत करना चाहता हूँ, निर्भय करना चाहता हूँ कि कोई भी साथी इस बात को लेकर तनिक भी मन में संदेह नहीं लाएगा कि उनकी मेहनत की कमाई को कोई भी ठग किसी भी तरह से हड़प लेगा। हम आपकी मेहनत की कमाई की एक पाई भी किसी ठग को, किसी ठग कंपनी को हड़पने नहीं देंगे, उसके लिए पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे और आपका पैसा आप सबको वापस कराएंगे। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप तमाम साथियों से, आप भले ही किसी भी ठगी स्कैम का शिकार हुए हैं, ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी कानूनी कार्रवाई नहीं की है, जो हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की रिकवरी रिट पिटीशन से नहीं जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से नहीं जुड़े हैं, वो तमाम साथी अपनी अपनी शिकायत, अपने अपने दावे, उनके पास जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेज दें, ताकि आप तमाम साथियों का नाम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की रिकवरी रिट पिटीशन में और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा क्रिमिनल मैटर पेंडिंग है उसमें जुड़वाया जा सके और आपकी मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी वापस करवाई जा सके। दोस्तों, ये बड़ा जरूरी है, आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, रिकवरी रिट पिटीशन में अपना नाम सम्मिलित नहीं कराएंगे, तो आपकी मेहनत की जो कमाई है, जो डूब चुकी है, उसका मिलना हमेशा संदिग्ध रहेगा। इसलिए तमाम साथियों को आप स्वयं इंटरवीन कर सकते हैं, अपना एडवोकेट हायर करके जो है
खुद जो है अपना नाम सम्मिलित करा सकते हैं, या आप सस्ते में कराना चाहते हैं, सरलता से घर बैठे कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेकर के भी केवल अपना नाम रिकवरी रिट पिटीशन में सम्मिलित करा सकते हैं। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी जिन्होंने भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, वो अपनी कानूनी कार्रवाई जरूर करें, ताकि जब सबका पैसा वापस मिले तो आपका भी पैसा वापस आप सबको मिले। दोस्तों, दूसरी अपील वही है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, और उसके लिए तमाम साथी जिस तरह से आप ऑनलाइन पटीशन को साइन कर रहे हैं, उसी तरह से 1 मई के लिए जो भी पोस्ट बनाए हम, जो भी संदेश वीडियो ऑडियो बनाए, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, फॉलोअप करना है। और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इसकी पोस्ट्स को शेयर करना है, ट्विटर हैंडल पर जाकर के युगांतर न्यूज को फॉलो करना है, फेसबुक आईडी पर जाकर के फॉलो करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा संदेश, हमारी सूचनाएं पहुंच सकें। अब आप ताजा अपडेट्स पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाखों लोग हैं, सबको पर्सनली फोन पर या व्हाट्सएप पर अपडेट्स नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, कई कई दिन पेंडिंग रह जाते हैं, आपके मैसेज में रिप्लाई नहीं दे पाता। हम तमाम लोग, चाहे वो हमारे अध्यक्ष जी हों, मैं हूँ, या हमारे कैशियर हों, सुमन जी हों, या दूसरे साथी हों, वो सभी लोग व्यस्त रहते हैं, और कई कई दिन तक हम आपके जवाबों की रिप्लाई नहीं दे पाते, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं दुविधा होती होगी। इसलिए उस दुविधा से बाहर आने के लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे दूसरे या तीसरे दिन मैं अपडेट देता ही हूँ युगांतर न्यूज पर। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, और आपको घर बैठे तमाम केसेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।